है दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। एडसेंस की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल से बच गई हो। यहाँ पे मैं खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे एडसेंस की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट करके दी है, जिससे TI फैमिली के मेंबर्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। जो डिसेबल की प्रॉब्लम थी वो इनेबल हुई। हमने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने एडसेंस हमने निकाल दिया है। तो इसी बात के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक चैनल और है, ये काफी परेशान थे और इनका यूट्यूब चैनल मतलब डिसेबल था। अब मैंने इसमें क्या क्या किया और इसको हमने कैसे निकाला वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इनका, जिन्होंने टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल पे विश्वास किया। और जब भी हम किसी का इशू पकड़ते हैं तो सबसे पहले वीडियो कॉल करते हैं, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी एक ही है जो कि इतने फॉलोवर्स है। अब बात करते हैं काम की। अगर मैं जाता हूं नीचे की तरफ, यहां पे है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। सब कुछ सही चल रहा था, चैनल अंडर रिव्यू में पहुंच गया है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होने के बाद में हर इंसान के अंदर एक खुलबुली सी रहती है कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। पर यहां पे दिक्कत आ गई एडसेंस की। अब एडसेंस की क्या दिक्कत आई वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, पर उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल अभी रिव्यू में है, अंडर रिव्यू में है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आई किस रीजन से वो मैं आपको बता दूं। यहां पे लिखा है द मे बी ड्यू टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, यानी कि पहले से इसी ही नाम पे एक एग्जिस्टिंग अकाउंट बना है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में हर यूट्यूबर परेशान हो जाता है जब उसका एडसेंस डिसेबल हो जाता है, पर स्टेप बाई स्टेप आपको समझना जरूरी है। जो इनके साथ इशू है वो ही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत दिमाग आप भी लगाइए। अब इसका जो इशू है इसी के हिसाब से मैं दूर करूंगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे को नहीं पता है। अगर आपका भी एडसेंस प्रॉब्लम हो गई है तो आप खुद का दिमाग लगाइए, ये वीडियो देखने के बाद में इधर उधर हाथ पैर मारिए, क्योंकि मैं भी हर इंसान का इशू नहीं निकाल सकता अपने हाथ से। तो यहाँ पे वीडियो को देखिए, आप भी अपना दिमाग लगाइए। अब बात करते हैं कि इनका प्रॉब्लम किस वजह से आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने 12 जनवरी को इन्होंने ये अपना एडसेंस बनाया। जैसे एडसेंस बनाया तो यहाँ पे इनके कुछ ही देर बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, यू ऑलरेडी हैव एडसेंस अकाउंट। अब मेरे दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है, अब इसको दूर कैसे करें ये सबसे बड़ी होती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा जो ये ईमेल आईडी है, इस नाम से कोई ईमेल आईडी है जिसपे ये ऑलरेडी बना हुआ है, पर हमारे पता ही नहीं रहता हमें कि भाई किस पे बनी है किस पे नहीं बनी है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, ऐसे केस में ऐसी की तैसी जाने दो, कोई भी ईमेल आईडी किसी की भी हो उसको जाने दो भैया। अब जो आपको बताऊंगा उसको आप समझिए। सबसे पहले ये देख ले कि इस ईमेल आईडी पे जो एडसेंस बना है वो किस नाम से बना है। यहाँ पे क्लिक करिए और मैनेज योर अकाउंट पे चले जाइए। ऐसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है मैनेज पेमेंट मेथड। यहाँ पे मैं आपको इस वजह से लेके जा रहा हूँ जिससे कि ये पता चले कि आपने किस नाम से बनाया है, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। इतना होने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे एडसेंस सेटिंग में, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आपने नाम बनाया है, ठीक है, इस नाम से अब आपको दोबारा से एडसेंस नहीं बनाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, आप पूरे देश में कहीं घूमो, चेन्नई मुंबई कलकत्ता कहीं घूमो, आउट ऑफ कंट्री घूमो, उससे आप भूल जाइए। आपको सिर्फ यहाँ पे जो भरना है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से भरना है, जहां जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है वो यहाँ पे आपको डालना है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब है कि इस नाम से हम जो है ना कोई भी अब एडसेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब हमें दूसरे नाम से बनाना है। अगर मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस में जाता हूं तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले एक ईमेल आईडी बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं एक ईमेल आईडी बना लेता हूं। जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा होता है क्रिएट अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और माई फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल को फिल कर दीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे आपको अपना जो आपका जेंडर है वो आप डाल देते हैं, मेल और फीमेल, और यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
के बाद यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक करना है क्योंकि एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपकी एक न्यू ईमेल आईडी बन गई है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने YouTube चैनल में जाना है और यहाँ पे है फिक्स इन एडसेंस, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो न्यू ईमेल आईडी अभी अभी बनाई है उस पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और नीचे जाके आपको यहाँ पे अपनी कंट्री का, यानी कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है तो इंडिया को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे जाना है, यस आई हैव रीड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो बात अब आपको बताऊंगा जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, उसके बाद मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। यहां पे है अकाउंट, यहां पे हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए और यहां पे जो नाम है जो आपका डॉक्यूमेंट में है, चाहे वो गलत है चाहे वो स्पेलिंग गलत है कुछ भी है, जो डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है वही आपको यहां पे टिकटॉक भरना है। कोमा है, डॉट है, जिस हिसाब से भी आपके डॉक्यूमेंट में इंग्लिश में लिखा है वो यहां पे आपको फिल कर देना है। सब कुछ सही से फिल करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहां पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहां पे लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, इसका मतलब है कि आपको 8 से 10 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों पूरे 8 घंटे के बाद में मैंने सिस्टम को दोबारा से लॉगिन किया। अब मैं यहां पे नीचे की तरफ लेके चलता हूं, ये है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखते हैं कि इनका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है। यस, आप देख सकते हो स्टेप 1 डन हो गया, स्टेप 2 भी यहां पे डन हो चुका है और यहां पे जो स्टेप 3 है इनका जो चैनल है वो अंडर रिव्यू में पहुंच गया है। अब कुछ दिन के बाद ही इनका यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। बट यहां पे याद रखने वाली एक बात है, याद रखने वाली बात यह है कि जो यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी है वो अलग है और जो गूगल एडसेंस की ईमेल आईडी है वो अलग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका ये पुराने वाला एडसेंस है जो कि झुका तो पड़ा है, हमने इसमें कोई छेड़खानी करी ही नहीं है। तो हमें अब दूसरे गूगल एडसेंस से मैं लॉगिन होके दिखा देता हूँ किया। तो यहाँ इनका जो गूगल एडसेंस है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको, मैं आपको बताता हूँ यहाँ। तो दोस्तों कहने का मतलब है जो ये प्रॉब्लम है वो निकल गई है। इसी तरह से अगर आपकी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नीचे मेरे कमेंट में जरूर बताना। और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल इसरार, ये एक ही आईडी है, इसी आईडी पे विश्वास करें। और जब हम किसी का इशू पकड़ते हैं तो सबसे पहले वीडियो कॉल करते हैं। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।